एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर ही घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा था। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे नहीं पकड़ सका। वह धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंसी हुई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह मुझे ढूंढता हुआ जरूर यहाँ आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है।